टोहाना के पूर्व विधायक व जेजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जेजेपी अध्यक्ष निशान सिंह टोहाना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। टोहाना ब्रेकिंग न्यूज से बात करते हुए सरदार निशान सिंह ने कहा कि भाजपा अपने जुमले छोड़कर एक माहौल बना रही है कि प्रदेश के लोग उनके पक्ष में हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ अलग है। निशान सिंह ने कहा कि प्रदेश में बुरी तरह से समस्याएं फैली हुई हैं, लेकिन सरकार अपनी फीकी बावाई लूट रही है। कह दिया कि तीन काम उन्होंने गिनाए थे, उन तीन कामों में अभी तक एक भी काम नहीं हो पाया, चाहे वो कनेक्टिंग बाईपास था रतिया का, सड़क का और हिसार वाली का, चाहे वो बस अड्डा हमारा बाहर निकालने की बात थी और चाहे स्टेडियम बनाना था। उसके सिवा कौन से काम हुए? मीडिया तो चौथा स्तंभ है, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है लोगों को बताना भी। देखो अभी ये हुआ है, दो साल से एक माध्यम आप हैं कि आपके माध्यम से हमेशा हम जो है ना ये बात अपनी कहते हैं। दूसरा माध्यम है कि हम फिजिकली प्रोटेस्ट करें और डिप्टी कमिश्नर महोदय को जा करके मेमोरेंडम दें, वो गवर्नर महोदय को भेजे, राष्ट्रपति को भेजे। इन दोनों चीज़ों में हम कहीं पीछे नहीं रहते। मैं तो ये कह रहा हूँ और जनता को आह्वान भी करता हूँ, अरे विपक्ष तो मजबूत होगा तभी आपकी बात करेगा, और विपक्ष नहीं अब तो उसको विपक्ष में लेके जाना है जिन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए लोगों के अधिकारों का हनन किया है। हमारे यहाँ फाटक रोज यहाँ जाम लगते हैं, ये कहते थे कि उसका तो भाई सब कुछ हो गया, पैसे पास हो गए, प्रोजेक्ट पास हो गया, ये तो बढ़ जाएगा हमारा फ्लाईओवर जो रेलवे लाइन के ऊपर हिसार लुधियाना के ऊपर जमालपुर में, आज तक कोई उसका कोई ईंट भी लगी। कौन से काम किए हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आप बैठे सभी पार्टियों को बुलाएं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको कहें सामने बात करें। अब कोई पुलिस बल पे या सरकारी तंत्र के बल पे कोई बात कह करके किसी को धक्के से नहीं मनवाई जा सकती। वोट का अधिकार मेरा है, मैं जब वोट डालने जाऊंगा तब मेरी आत्मा मेरे साथ होगी, कोई दूसरा को सरकारी तंत्र नहीं होगा। इसलिए मुझे जब वोट डालना है, जहां मुझे सुविधा मिलती है, मैं उसको वोट डालूंगा। मैं जनता से आह्वान भी करना चाहता हूं, जितने भी लोग जिन्होंने किसी दबाव में फैसला लिया है, जिन्होंने किसी और बकाई में फैसला लिया है, हम सबको विश्वास सबके ऊपर हमारा है। मैंने पहले भी कहा, हमारे मित्र भी हैं जो टोहाना के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए अपने विवेक से काम लेते हुए वापस आएँ, अपने मित्रों को सपोर्ट करने का काम करें ताकि उनको पूरी तरह से हरियाणा को आगे लेकर के जाया जा सके, टोहाना को आगे लेकर के जाया जा सके। आज टोहाना नहरों की नगरी जो है प्यासी बैठी है, आज बिजली से हम महरूम हैं, ऐसे हालात हैं। इसलिए मैं तो सभी को निवेदन बताऊँगा, मैं तो कहता हूँ हुड्डा साहब भी ऐसा ही करते हैं कि आज मैंने कमेटी बना दी, आज मैंने कमेटी वापस ले ली, तो पता नहीं उनका जो छह मार्च का खेल कैसा चल रहा है, क्या लोगों के प्रति जिम्मेवारियां भी वो समझते हैं, जहां आपसी लड़ाई में ही रहेंगे पूरा चुनाव तक, उनके बारे में तो वही बता सकते हैं। टेस्ट किया, माइनिंग के खिलाफ किया, ओवरलोडिंग वाले मामले में किया, हर जिला में गए, और कम से कम 9-10 जिलों में तो मैं गया हूँ। दादरी गया, क्या नाम है, अंबाड़ा गया, मैं करनाल गया, हमारा जमुनानगर गया, फतेहाबाद गया, सिरसा गया, इन सभी जिलों में जाकर के हमने सरकार की बेकायदगियों को बखूबी तौर पे उठाने का काम किया है। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि ओनली निशान सिंह विपक्ष है, कांग्रेस की भी जिम्मेवारियां बनती हैं, जिन्होंने पूरे देश का सिर झुकाने का काम किया है। अपनी बात नहीं कह पाए पार्लियामेंट के चुनाव में, मोदी जी के सामने वो सच्ची बात को भी सच्चा साबित नहीं कर पाए, वो झूठी बात को भी सच्चा साबित करके, जैसे मदारी आता है, जैसे कोई जादूगर आता है, वो हाथ के ऊपर जो ना पैसे निकाल दिए और निकाल दिया, कबूतर निकाल दिया खरगोश, मोदी जी ने वो कबूतर निकाले हैं, वो कबूतर तो रहेंगे नहीं, तो उड़ गए सारे, ये मान के चले धरातल पर कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी होड़ लगा दी जुमलेबाजी करके, वो भी भाजपा में जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। मैं मान के चलता हूँ जितने भी लोग गए हैं, किसी भी पार्टी से गए हैं, जिन लोगों का दिल मैंने जीता हुआ, मेरी आत्मा कभी नहीं मांगती कि वोट दूसरे को डाले, वो मुझे वोट डालेंगे, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, वो कहीं भी किसी दबाव में चले गए हों या किसी बहकावे में चले गए हों, लेकिन मैं अपने साथ महसूस करता हूं कि मेरे साथ हैं। इसी तरीके से जब बहम निकलेंगे तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उल्टे जननायक जनता पार्टी में आएंगे, उसकी अपनी कमांड संभालेंगे और इलेक्शन के अंदर पूरी तरह पे काम करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये काट की हांडी, हमारा समाज कहता है कि बार बार नहीं चढ़ती, और ये काट की हांडी इस बार भी नहीं चढ़ेगी जुमलेबाजी से। अब 10, 20, 30 दिन पहले तो यहाँ कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें ऐसी, बताइए कौन सी आएंगी,
आज भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर कैसे ठीक होगी, कैसे अच्छी होगी? आप पास्ट देखो उनका, 5 वर्षों का उन्होंने क्या किया है। अगर आम आदमी सुखी है तो हम भी भाजपा के साथ हो जाते हैं, अगर आम आदमी दुखी है तो उनको डिफेंड करना, उनकी बात को उठाना, वो हमारा दायित्व है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे हमारे बहुत